देखिए स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 4 सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन मतलब कि हमें माइनस करना है, कोई भी चीज कम करनी है। अब देखो, अब हम 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 लाइन ड्रॉ की और 0 लाइन कट करनी है, मतलब कि 0 लाइन। अब कुछ भी कट नहीं करना है तो ये 1 एज इट इज लिखेंगे 1। अब देखो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी लाइंस कट करनी है हमें, 7 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन कट की, बची कितनी 1 2, तो हमने कितना लिखा यहां पे 2 लिख दिया। ऐसे ही हम यहां पे करेंगे 8 लाइन, 8 है, 8 लाइंस ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से कितनी लाइंस कट करनी है हमें, 4 लाइंस 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कितनी बची, 1 2 3 4, 4 बची, हमने यहां पे 4 नोट कर दिया। ऐसे ही अब 5 लाइंस ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5, 2 लाइंस कट करेंगे तो 1 2 बचा कितना, 1 2 3, हमने 3 नोट किया। अब देखो यहां पे क्या 5 लाइंस ड्रा करके 1 2 3 4 5 5 लाइंस ड्रा करके हम 9 लाइंस कट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। अब इसमें से 9 लाइन कट कैसे करेंगे, ये तो छोटा नंबर है। अब जब छोटा नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास तो इतने नंबर है नहीं कि हम 9 कट कर दें, तो हम बगल वाले से ले लेते हैं। अब हमने इससे ले लिया 1, तो ये 1 लिया जो 1 इसके आगे आ जाएगा, ये 15, ये कितना बन गया 15 बन गया, और ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। इसमें इसके पास में 2 थे, अब हमने 1 ले लिया तो कितना बचा, 1 बचा तो 15। अब कितनी लाइंस ड्रा करेंगे हम, 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लाइन ड्रा करें, फिर 9 लाइंस कट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन में कट तो हुई। अब कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 6 बची, हमने यहां पे 6 लिख दिया। अब इसके पास में 2 थे, एक तो हमने ले लिया, बचा कितना 1, तो 1 में से कुछ भी नहीं गया तो 1 एज इट इज नोट कर देंगे। ऐसे ही अब क्या आप 0 लाइंस में से 1 लाइन कट कर सकते हो क्या, नहीं कट कर सकते, तो अब हम 0 को क्या करेंगे, इससे हमने 1 ले लिया तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। आपके पास में 5 टॉफियां थी, 5 टॉफीज में से 4 1 आपने किसी ने ले ली तो बची कितनी, आपके पास 4 बची, तो यहां पे 5 थी 4 ले ली, बुक 1 ले ली तो 4 बची, ये 10 बन गया, ये 4 बन गया। आप 10 लाइंस ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बचा कितना, अब ड्रा कितना करना है हमें, कट कितना करना है 1, तो 1 लाइन हमने कट कर दी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने यहां पे क्या किया, 9 नोट कर दिया। अब 4 में से 1 2 3 4, अब 4 में से 3 लाइंस कट करेंगे 1 2 3, बची कितनी 1, यहाँ पे हमने 1 नोट कर दिया। ऐसे ही हम यहाँ आएंगे 7, अब 7 लाइन में से 4 लाइंस कट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 4 कट करेंगे तो 1 2 3 4, बची कितनी 1 2 3, हमने 3 नोट कर दिया। ऐसे ही 8 लाइंस में से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 3 कट करेंगे 1 2 3, बची कितनी 1 2 3 4 5 5 बची, 7 लाइन में से 7, अब देखना 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 7 ही कट करनी है तो 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मतलब 0। अब देखो 8, क्या आप 8 लाइंस में से 9 लाइंस कट कर सकते हो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 8 लाइंस है। अब 9 लाइंस कैसे कटोगे, इसमें तो 9 लाइंस आ ही नहीं रही है, तो अब हम क्या करेंगे, जो 8 है ना इससे क्या करेंगे, इसके पास में तो है नहीं है, हम बगल वाले से ले लेंगे, तो हमने 8 को क्या बना दिया, 18 बना दिया, इससे लिया इसीलिए ये 1 बन गया। अब देखो 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अब 18 में से 9 लाइन कट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लाइन कट हो गई, बचे कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने 9 नोट किया।
अब देखो वन लाइन ड्रॉ की और वन कट कर दी, बचे कितनी, कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि जीरो बचा, सिक्स में से कुछ भी नहीं गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब इसमें से कुछ भी नहीं गया, मतलब कि जीरो है ना, तो कुछ भी नहीं गया, तो हमने कुछ भी नहीं करा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एज इट इज, सिक्स एज इट इज नोट कर देंगे। समझ में आया आपको सब सबट्रैक्शन? बाकी क्वेश्चन जो है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।